दोस्तों, ये बरगद का पेड़ है। ये 5 साल का हो गया है अब, और मैंने इसे इधर लगाया था। इधर देखो, ये पानी खड़ा है ना, यहाँ पर लगाया था पहले इसको, तो यहाँ से उखाड़ दिया किसी ने। ये पानी तो वैसे खड़ा हो गया, ये तो उतर जाएगा 2 दिन में। तो उखाड़ने का कारण ये था, एक मुझे बोला आके, इसमें भूत प्रेत चिमड़ते हैं, इसको बरगद के पेड़ पे भूत प्रेत होते हैं, इसलिए इसे लगाना अच्छा नहीं लगता। मगर मैंने लगा दिया इसको। तो ये जो अंधविश्वास है, आप ये देखो कि हम हमारे देश के अंदर बरगद के जितने भी पेड़ हैं बहुत कम हो रहे हैं। बरगद है, पीपल है, मेरे एरिए में तो यहाँ अम्बाला, तो जब हम छोटे थे बहुत ज़्यादा होते थे, और अब तो बिल्कुल, मतलब एक दो स्कूल में है, एक इधर खड़ा है, एक दो पेड़ रह गए, और नहीं तो बरगद ही बरगद थे। तो इसका मुख्य कारण ये गांव वाले कहते हैं कि इसे भूत प्रेत होते हैं, चड़ल्ले नाचती हैं रात को। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चड़ैल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, ये तो वन का वहम है, और ना कोई भूत होता है। भूत का तो मतलब ही भूतकाल से है, यानी भूत जो बीत गया। तो ये तो भाई डर निकालो और बरगद के पेड़ लगाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ बरगद के। तो बरगद के पेड़ की एक तो बहुत अधिक आयु होती है, और इससे ऑक्सीजन, पीपल से ऑक्सीजन, पीपल का सबको पता है कि ऑक्सीजन कितनी होती है, पीपल भी नहीं लगाता कोई। और सरकारी बरगद के पेड़ की तरफ मतलब ध्यान नहीं देती, वट वृक्ष की तरफ। तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी, भाई बरगद के पेड़ अधिक से अधिक लगाओ, पीपल के पेड़ अधिक से अधिक लगाओ। अब ये जो सफेदा खड़ा, ये तो 4-5 साल में अपन काट लेते हैं, और जितने पक्षी, ये आपने आवाज़ सुन रही होगी पक्षियों की, ये कहाँ जाएंगे? अभी इसकी नीलामी हो गई है, इसकी बोली हो गई है। अब ये 65 लाख में छूटा है, 65 पता नहीं, 52 लाख में कह रहे हैं छूटा है, मैं तो गया नहीं था बोली पे, 52 लाख में छूटा है। और अब इसको साफ कर दिया जाएगा, इसके ऊपर इतने तोते रहते हैं, कौवे रहते हैं, और कोयल, बहुत पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी इसके ऊपर रहते हैं। अब वो इधर से चले जाएंगे, जब ये फिर बड़ा होएगा 2-3 साल में, फिर आएंगे वापस। तो बड़े पेड़ जो पहले हमारे थे, शीशम थी हमारी, वो ख़त्म कर दिया। सीरस थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, हमारे गांव में एक भी सीरस नहीं है। पीलखन थी, वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही। तो दोस्तों, ये पेड़ जो है बिल्कुल ही, मतलब नीम, नीम नहीं है बिल्कुल भी, नीम ख़त्म हो गया। और कीकरे होती थी पहले, कीकरे लगा देते थे, कीकर खत्म हो गई, कीकरों की दांतने करते थे, बहुत उपयोगी थे, मतलब नीम थे उपयोगी, वो ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल यहाँ से। और दोस्तों, मैं नफे सिंह कादियान, गांव गंगनपुर, जिला अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, और सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि बरगद के पेड़ अधिक से अधिक लगाए जाएँ। और जय हिंद, जय भारत।